हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, अब हम काम करेंगे, आप देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। कितने दिन से तबीयत खराब हो रही थी तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो अब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप देखिएगा। फिलहाल आप देखिए, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी हम बर्तन मांजेंगे, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है फ्रेंड? फ्रेंड, अब हम बर्तन मांजेंगे। देखिए फ्रेंड, हम बर्तन मांज लेंगे। और आप भी, आप क्या तो सिंक लगा हुआ हो, सिंक मांजते होंगे बर्तन। मैंने जब तक नीचे मांजना पड़ रहा है। बर्तन मांजते हैं, फिर ना बहुत काम हो रहा है आजकल, और मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत खराब हो रही है तबीयत। अब कोई करने वाला नहीं, करना तो मुझे ही है ना फ्रेंड? करूंगी तो मैं, और कौन करेगा खांसी भी हो रही है, जुकाम भी हो रहा है, बुखार सा भी लग रहा है। और फ्रेंड्स, मैंने सफाई पाई हो गई होगी आपके यहाँ पर, मेरे यहाँ पर धीरे धीरे हो रही है, मुझसे हो नहीं रहा, क्या करूँ, कर नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। साबुन से ही मांजते होंगे आप लोग बिम वगैरह से, है ना? मैं भी साबुन से ही मांजती हूँ बर्तन, और चिकनाहट ये वाला जूना है, ये इस जूने से मांजती हूँ मैं, इससे साफ हो जाते हैं बर्तन बिल्कुल, है ना फ्रेंड? और पानी का भी ऐसे ही आ रहा है, जा रहा है, अभी तो फिलहाल आ रहा है पानी, बात का कुछ भरोसा नहीं इसका। आज मैं थोड़ा लेट भी उठती हूँ, 8 बजे उठती हूँ आज मैं। मैंने अनंत से कहा टब और भर दो, दो दे भर दे, उन्हें रो रो के गिलस गिलस के भरी दिया बेचारे ने। आज धनतेरस के दिन आपके यहाँ क्या होता है पता नहीं, मेरे यहाँ तो दिया जलाते हैं शाम को, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें कुछ बताया नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, तो बस जो जैसे भी खरीदारी करते हैं, बर्तन वगैरह लाते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, तो मतलब दिवाली का सामान आज के दिन ही खरीदते हैं। वैसे तो यही होता है सब जगह, है ना? वैसे तो आपके यहाँ भी इसी तरीके से होता होगा, हम भी ऐसे करते हैं। अनंत के कपड़े भी लाने हैं अभी, अनंत के कपड़े नहीं आए हैं। तो जो बर्तन लाऊंगी, चाय का फ्रेश है ना मेरा फूक गया, तो
चाय का फ्रैगन छूट गया है। उनके पापा ने ना चाय रख के छोड़ दिया था तो वो छूट गया। दूसरा था उनके छोटे पापा ने बना के उसमें परवरता नहीं होता नहीं ठीक से। अच्छा फ्रेंड चलो बर्तन मांग के फिर मिलते हैं। अब ये अनंत नहाए नहाए करेगा। अनंत नहा रहा है। देखो अनंत कैसे नहाता है, रोता है, रोए रोए करता है। किधर करो? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? नहा नहा कर रहा है रो रो के, जैसे मैं इसको कूट कूट के मार रही हूँ। आज धनतेरस है, आज के दिन बच्चे नहाते हैं, सब बच्चे नहाते हैं घर के, ठीक है। क्या रोज ना नहाते हो जो वो आज के दिन जरूर नहाते हैं। और जो रोई के पानी रखा जाता है उसे डाल के नहाते हैं कप में, पानी से बच्चे नहाते हैं जो वही पर रखा जाता है पानी। हमें इसका भूने से रगड़ दिया भूने, ये ना अपने आप नहाता ना ढंग से नहीं नहाता ये लड़का। हाँ मैं लड़का हूँ। ये लड़का ना ढंग से नहीं नहाता। हाँ मैं नहीं नहाता। मेरे को अब मुझे मिलाना पड़ रहा है। चिल्लाता कितना है मिला हाथ दे। खड़ा हो गई खुद नहीं मिटती है इससे। ये पैर देखो कैसे हो रहे हैं गंदे गंदे मिट्टी में। देखो घुटने भी ऐसे हो रहे हैं काले 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 गोबर के जैसे। चुपती है। बैठो थोड़ा सा नीचे। ऊपर का मुँह कर, मुँह पे साबुन लगाते हुए धोता है लड़का जी। पता नहीं क्यों आँख में चले, हम आराम से साबुन लगा देंगे। ये हो गया आज मेरा गोरा अनंत। अनंत गोरा गोरा हो गया। फू फू टू टू कर रहा है। अब अनंत ने हाँ लिया है, अब हम बाद में मिलते हैं कपड़े पहनाने के। देखो अनंत राजा बाबू बन गया। देखो बन गया ना राजा बाबू, सोना सा बेटा बन गया मेरा राजा बाबू सा। अब मैं इसके बाल काट दूंगी। हाय करो। हाय नहीं करी आपने। चलो अब फ्रेंड मैं नहा के नहा धो के तब आपसे मिलती हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब मैं नहा ली हूँ, नहा कर आ गई हूँ। तो अब थोड़ा सा चेहरे को सही कर लिया जाए, ठीक है फ्रेंड। आजकल ना अभी ठंड आई नहीं है, हाथ मुंह फटने लगा मेरे तो, मुंह फटने लगा है बहुत ज्यादा।
हाथ भी फटने लगा है। देखना देखना मेरे हाथ कैसे हो रहे, मेरी खाल कैसे लटक रही है। मैं इतनी परेशान हूँ ना फ्रेंड, इतने अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा मुझे अपना शरीर बिल्कुल बेकार लगता है। देखो ये देखो, अपनी बॉडी इतनी बेकार लगती है मुझे, बस मन करता है सब कुछ बेकार कर दूं। क्या करूं, बच्चे के कारण जीना पड़ रहा है, नहीं तो ये बॉडी किसी लायक नहीं है, किसी भी लायक। अब हम बिंदी लगाते हैं, फ्रेंड जब ऐसी बॉडी हो तो कुछ करने का मन करता है, नहीं करता ना, ना तो शरीर पे कुछ पहनने ओढ़ने का मन कर रहा, बाजू सही नहीं आती, कोई चीज कपड़ा लाती हूँ तो बाजू वगैरह ठीक नहीं आती। सिंदूर डालते हुए भी हाथ कपाते हैं, यही लिपस्टिक लगा लेती हूँ। हो गया फ्रेंड, बस थोड़ा बाल काटने हैं, अभी बाल काट लूंगी। फ्रेंड मैं अपनी बॉडी से बहुत परेशान हूँ, किससे कहूँ, किससे कह भी नहीं पाती, आप लोगों से ही बता रही हूँ कि मैं, देखना मेरे हाथ, ये देखो कितने, मतलब खाल कितनी लटक रही है, ये देखो बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत सच में। कुछ करती हूँ ना मेरे हाथ पहले दर्द करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट क्या करूँ, जीना है इसी का नाम है। अब जब तकलीफ है तो झेलनी तो पड़ेगी, बस क्या करूं। आप भी कुछ सजेस्ट कर दीजिए, वो मैडम एक हैं पता नहीं उन्होंने क्या क्या बताया था, मैं फिर भूल गई, प्लीज़ मुझे वो फिर रिप्लाई कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, और त्रिपला वगैरह क्या बताया था आपने प्लीज़ दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने हस्बैंड से मंगा लूँगी, और वो कैसे कैसे लेना है आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे कोई कुछ बताता है ना, मैं सभी सभी चीज़ों को वो करके देखती हूँ, पर जब ठीक नहीं होता ना बहुत गुस्सा आता है फ्रेंड, क्या करूँ। और पता है त्यौहार के टाइम पे भी बीमार पड़ जाओ और काम करने वाला कोई ना रहे तो बहुत दिक्कत होती है, तो प्लीज़ फ्रेंड आप मुझे वो बता देना मैम, आपने जो बताया था कमेंट करके, ठीक है मैम। और फ्रेंड अब इससे आगे क्या ब्लॉग बनाऊँ मैं, अभी दरअसल मैं थक चुकी हूँ, थोड़ा मैं लेटूँगी, आराम करूँगी, फिर आगे हम ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड, बाय।